साइंस विज्ञान हमारा तीन सेक्शन होता है ना, गणित को विज्ञान में ऐड नहीं करते हैं, गणित अलग होता है, साइंस में हमारा मेजर तीन सेक्शन आता है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, यानी जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान। ये आजकल देखिएगा कि हर एग्जाम में लगभग बायोलॉजी से क्वेश्चन मतलब ज्यादा रहता है, लेकिन अभी फिलहाल के दो तीन साल में लगभग लगभग इक्वेट कर दिया है, मतलब इतना ही केमिस्ट्री से रहेगा, इतना ही फिजिक्स से रहेगा, इतना ही बायोलॉजी से रहेगा। और शुरू में जो मैं लाइन बताया था, पढ़ते समय कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, आपको मेजर ध्यान में ये रखना है कि हमें उस सब्जेक्ट का पीएचडी नहीं करना है, उस सब्जेक्ट की गहराई में इतना नहीं जाना है कि जो हमारा मतलब एनर्जी वेस्ट करे और टाइम वेस्ट करे, दोनों लॉस होता है। यानी हमें क्या करना है, फोकस करना है कि हाँ अब बायोलॉजी में जो फोकस का चीज है उसको फोकस करना है और देखना है कि क्वेश्चन आता कहाँ से है। तो क्वेश्चन जहाँ से आता है उस सब चीज पे हम लोग को ज्यादा फोकस करना है। जैसे बायोलॉजी का बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन है बायोलॉजी, लेकिन क्वेश्चन आने के लिए दो तीन चैप्टर है वहां से क्वेश्चन आता है। जैसे अब इसमें जीव विज्ञान में देखिएगा, क्वेश्चन आपको हरदम किससे पूछेगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछेगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी से। और दूसरा क्वेश्चन आता है ह्यूमन डिजीज से हो जाएगा, ह्यूमन डिजीज मानव रोग ना, ये मानव तंत्र। और उसके बाद से तीसरा जो क्वेश्चन सेक्शन होता है क्वेश्चन के लिए ह्यूमन डिजीज एंड इसमें न्यूट्रिशन भी होता है पोषण। और तीसरा जो सेक्शन होता है उसमें ना कुछ सेक्शन आ जाता है जैसे प्लांट से संबंधित, और प्लांट में क्या आ जाएगा आपका, प्लांट में आ जाएगा प्लांट हार्मोन हो जाएगा, प्लांट डिजीज हो जाएगा, छोटा छोटा सेक्शन है, और थोड़ा बहुत प्लांट फिजियोलॉजी से पूछ देता है। और उसके बाद से ये तो प्लांट हो गया, उसके बाद से ना एक लाइकेन होता है, फंजाई होता है, फंगाई यानी कवक, वायरस होता है और बैक्टीरिया होता है जीवाणु, इन्हीं से क्वेश्चन रहेगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ अलग अलग चैप्टर आ जाते हैं, जैसे आपका हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, और दूसरा हो जाएगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, स्केलेटन सिस्टम आ जाएगा, स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र हो जाएगा, उसके बाद से नर्वस सिस्टम हो जाएगा, और उसके बाद से हो जाएगा आपका डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, और उसके बाद से हो जाएगा आपका कंकाल तंत्र, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। तो ये जो मेजर सेक्शन होता है, एक दो चीज और है इसमें, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बाकी ह्यूमन डिजीज में, अब डिजीज में कौन कौन से डिजीज है, कुछ डिजीज अनुवांशिक हो जाएगा, जेनेटिक हो जाएगा, कुछ बैक्टीरियल हो जाएगा, कुछ वायरल हो जाएगा, और कुछ क्या हो जाएगा, प्रोटोजोवास है, और कुछ निमेटोड्स है। तो ये आपका डिजीज वाला हो गया। और उसके बाद से न्यूट्रिशन में आपको क्या हो जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम। एंजाइम हमारे शरीर द्वारा स्रावित होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत। कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद से फैट ना, विटामिन्स के बाद से आपका क्या हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएगा यानी खनिज हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम बायोलॉजी के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। और इसको छोड़ करके जैसे अभी कोई भी मतलब उठाइएगा और कोई भी पेपर उठाइए, देखिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, कवक से मिल जाएगा या लाइकेन से मिल जाएगा, बैक्टीरिया से मिलेगा, वायरस से मिलेगा, प्लांट हार्मोन से मिलेगा, प्लांट रोग से मिलेगा, डिजीज से, और उसके बाद से प्लांट फिजियोलॉजी से मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। चाहे वो पूछे कि मतलब ये किस में पोषक तत्व पाया जाता है या इससे कमी से कौन सा रोग होता है, अब यहाँ पे रोग भी इससे जुड़ जाएगा। ह्यूमन डिजीज में अब यहाँ से आ जाएगा डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब हीनता जनित रोग, मतलब इसके कमी से होने वाला बीमारी जो होगा।
उसके बाद बैक्टीरियल बीमारी पूछता है, वायरल पूछता है, प्रोटोजोआ से होने वाला निमेटोड हेलमिंथ से पूछ रहा है, उससे पूछता है। तो ये रहा अपना बायोलॉजी का मेन जो सिलेबस है, इसको छोड़ करके बायोलॉजी में बहुत सारा चीज पढ़ना है, वो पढ़ लीजिए ना। और कभी कभार ना एक इसमें आ जाता है सेल भी, एक दो बार पूछ लेता है क्वेश्चन, ये मतलब मेजर सेक्शन है, इसको अगर हम पढ़ते हैं। सर अनुवांशिक से भी पूछता है? अनुवांशिक से पूछता है तो उसको हम डिजीज में खत्म करेंगे, जो जेनेटिक अपना डिजीज था ना किधर था। डिजीज से पूछेगा, अनुवांशिक में ना आपको ज्यादा डीपली नहीं ले जाएगा, क्योंकि वैसे भी वो हमारे काम का नहीं होता है। तो अनुवांशिक को डिजीज में देख लेंगे, कितने प्रकार का रोग होता है, कौन से जेनेटिक डिजीज में क्या क्या होता है, यही क्वेश्चन मेजर सेक्शन होता है। अगर परिसंचरण से भी होता है? हाँ, परिसंचरण से, सर्कुलेटरी सिस्टम में बोला था, इसमें कुछ छूटा है। परिसंचरण तंत्र मतलब इसमें 8-9 वो तंत्र आता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हुआ, एक तो और है। तो यहाँ से मेजर सेक्शन आपसे मतलब होता है क्वेश्चन का। और इसको छोड़कर जो साइंस में बहुत सारा चीज है, पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन इसको पढ़ लीजिए और कुछ ना पढ़िए, बहुत सारा मतलब बनता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप हल करने की स्थिति में होंगे, और यही होता है हमारा स्मार्ट वर्क। डाउट है किसी को? तो पढ़ते समय ना आपको ये ध्यान में रखना है इस टाइप से सिलेबस में कि हमें यही चीज पढ़ना है, मतलब रास्ता नहीं भटकना है ना। अब इसमें भी है कि क्या है, आपका एक ना एक ओवर व्यू चाहिए कि मतलब इसके बारे में जानते हैं कि नहीं, बस थोड़ा सा जानते हैं कि नहीं ना। बाकी स्पेशल के लिए डॉक्टर हैं, वो बैठे हैं ना, प्रोफेसर है, वो बैठे हैं, हमें क्या है, बस थोड़ा बहुत इसमें अनुभव चाहिए। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में भी चाहिए तो क्या, आप ऐसे कैसे खाना का पाचन होता है, कौन कौन सा एंजाइम काम करता है, वही आ जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे आपका जो रक्त होता है, क्योंकि रक्त ही सारा जितना हमारा परिवहन का कार्य करता है, चाहे वो हार्मोन हो गया या पोषक पदार्थ हो गया, सब रक्त के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह हमारे शरीर में पहुंचता है, या जो हम लोग दवा खाते हैं ना, तो वो सब रक्त के माध्यम से पहुंचता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे कैसे हार्ट होता है, लंग्स होता है, और आर्टरी होती है, और वेन होता है, मतलब धमनी और महाशिरा, ये और हृदय और लंग्स मिलकर के पूरे शरीर में परिसंचरण का कार्य करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे कैसे अपना अमाशय हो गया, यानी स्टोमक हो गया, और माउथ में जो क्या होते हैं ग्लैंड्स होते हैं ग्रंथि, और छोटी आंत, बड़ी आंत, और लीवर, कैसे ये सारा रोल प्ले करता है पाचन में। रेस्पिरेटरी में कैसे हम श्वसन लेते हैं, एक्चुअली हम लोग श्वसन को क्या समझते हैं कि सांस लिए और सांस छोड़ दिए, तो यही है हमारा श्वसन, ये नहीं है, ये छोटा सा पार्ट है कि बस हम सांस को लिए और सांस छोड़ दिए। एक्चुअली जो श्वसन होता है प्रत्येक कोशिका में होता है, फिर वहां से ऑक्सीजन पहुंचता है। तो ये चीज देखेंगे। स्केलेटन सिस्टम में देखेंगे कैसे हमारा जो शरीर का ढांचा होता है, पाया ढांचा कैसे काम कर रहा है, इसमें कौन सा बोन कहाँ कहाँ पाया जाता है। और नर्वस सिस्टम में यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है, मतलब तंत्रिका तंत्र में देखेंगे कि कैसे हमारा जो मस्तिष्क होता है हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, और यहाँ से कैसे जो कोई मैसेज होता है पहुंचता है, और कैसे हमारा रिएक्शन होता है, कौन सा जो मस्तिष्क का हिस्सा होता है किस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखेंगे कि हमारा किडनी का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है ना, और भी जो लंग्स होता है वो भी उत्सर्जी तंत्र का काम करता है, 4-5 अंग है ना। उसके बाद से रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन इसको भी देखेंगे। ह्यूमन डिजीज में वही सब अलग अलग देख लेंगे, और डिजीज कौन सा बैक्टीरियल है, कौन सा वायरल है, थोड़ा सा याद करने का ये चीज हो जाता है। और उसके बाद से हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करना पड़ता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एंजाइम, विटामिन, मिनरल्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे मिनरल्स में आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ना, ये जितना सारा आता है, आयरन, जिंक, कॉपर, तो ये सब आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लांट हार्मोन, 6-7 हार्मोन है, बस हम ऐसे ही, मेरा जैसे क्लास होगा ना आपको याद हो जाएगा, मतलब कुछ याद कराने का, मैं उससे रिलेट करूंगा कुछ चीज़ों से, आराम से याद हो जाएगा। क्योंकि पढ़ने का मतलब यही होता है कि जब हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो मतलब कम से कम 70% तो क्लास में सीखे, नहीं तो किताब में तो सब चीज़ है, बहुत अच्छा अच्छा किताब पढ़ा हुआ है। तो क्लास करने से आप लोगों को ना बहुत सारा चीज़ें जो होगा मैं ऐसे ही याद करा दूंगा। मेरे क्लास का मतलब जो होता है टारगेट यही होता है कि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं आप लोग क्लास में ही सीख जाए। देखिए केमिस्ट्री में भी ना आपसे वो केमिकल साइंस आपको नहीं पढ़ाने जा रहा है, आपको बस थोड़ा बहुत जो नॉलेज होता है डे टू डे लाइफ में प्रयोग होने वाला, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा और वो आपको आना चाहिए, बस वो आपसे यही उम्मीद करता है। वो भी कहाँ तक, क्लास मैट्रिक लेवल तक, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, मैट्रिक लेवल तक आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तो सारा क्वेश्चन बनेगा। और बहुत बच्चा होगा कहते मैट्रिक तो हम पास थे, पास होना एक अलग चीज़ होता है और नॉलेज प्राप्त करना एक अलग चीज़ होता है ना। तो पास होने से मतलब नहीं, नॉलेज होना चाहिए। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि केमिस्ट्री में होता क्या है। तो केमिस्ट्री में ना एक क्वेश्चन आपको हरदम किससे रहेगा, एक क्वेश्चन आपको हरदम रहता है जो मिश्रण मेटल और नॉन मेटल, मिश्रण होता है
आपके लुसेंट में या कोई भी विज्ञान का किताब होगा उसमें 8-10 को दिया रहता है, जैसे पीतल हो गया, गन मेटल हो गया, बेल मेटल हो गया, डच मेटल हो गया, मुंज मेटल हो यस गया सर। ना, तो यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है हरदम। जैसे इस बार क्या पूछा था, पीतल वाला पूछा था, कितना आसान था ना। यहां से एक क्वेश्चन रहेगा, जो गैस लॉ है, जैसे ग्राम का होता है ना, एवोगाड्रो का होता है, तो यहां से आपको पूछने जा रहा है क्वेश्चन, एक दो यहां से पूछेगा। उसके बाद से जो क्वेश्चन होता है ह्यूमन मेड, जो मतलब जो मानव निर्मित पदार्थ है, वहां से पूछता है। जैसे यूरिया हो गया, उसका संरचना सूत्र पूछ लिया, या उसको पूछ दिया कि कौन कौन सा मतलब पदार्थ इसमें तत्व पाया जाता है, इस टाइप से। यस सर, परमाणु संरचना। उसके बाद से एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछेगा। देखो इस बार का भी क्वेश्चन देखोगे तो कितना आसान पूछा था कि परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है। अब इससे आसान कुछ होगा जी? तो प्रोटॉन आपके न्यूट्रॉन। हाँ, तो इससे मतलब इजी कुछ नहीं पूछने जा रहा है, लेकिन यही है कि लोग डर जाते हैं कि अरे साइंस है। इसके बाद से आपसे क्या पूछेगा, एक पूछेगा आपका पीरियोडिक टेबल से भी कभी कभार पूछ देता है ना, आवर्त सारणी से। इसके बाद से आपको हाइड्रोजन पूछेगा ना, मिथेन से रहता है सर क्वेश्चन, इसे मिथेन से नहीं रहता है। मीथेन से यस सर। हाँ रहेगा, उत्कृष्ट धातु होता है, यहां से रहेगा आपको ना। उसके बाद से आपका एक कोलाइडी हो जाता है, जितना सारा मतलब कोलाइडी हो गया ना, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। फिर आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, फ्यूल से सर। हाँ बहुत बढ़िया, ईंधन से क्वेश्चन पूछेगा आपको, फ्यूल से। जैसे आप उसमें पूछ देगा वाटर गैस पूछ देगा ना, कि वाटर गैस का बताइए कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है, या आपको एलपीजी पूछ देगा या सीएनजी पूछ देगा, इस टाइप से। तो इस टाइप से जो मेजर सेक्शन होता है, और देखिएगा कि ये जितना सारा होता है ना, आपका क्या होता है कि मतलब डे टू डे लाइफ में प्रयोग होने वाला होता है, जैसे फ्यूल होता है ना। जैसे आप फ्यूल में क्या आ जाएगा आपका, एक और पूछता है कि कार्बन, नेचुरल गैस। कार्बन से पूछता है, कार्बन एवं अपरूप ना, नेचुरल गैस आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, यस सर। पेट्रोलियम आ जाएगा, ये सब डे टू डे लाइफ में फेस करना है ना। और यहाँ पे जो कोलाइडी वाला जो सेक्शन होता है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि हरदम हम लोग दूध का, शहद का, रक्त का हरदम देखने सुनने को मिलता है, तो उसी से फंसा करके पूछेगा। उत्कृष्ट धातु भी पूछेगा, हाइड्रोजन से पूछता है ना, आवर्त सारणी से पूछेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ह्यूमन मेड जो भी पदार्थ होता है उससे पूछेगा, गैस लॉ रहेगा, मिश्रण रहेगा ना। इसके अलावा जो कुछ और होता है सर रासायनिक, परिवर्तन से भी पूछ देता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। हाँ भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जो हम लोग शुरू का चीज होता है, मतलब पदार्थ का अवस्था होता है, किसे किस में परिवर्तन होता है, तो उसे पूछेगा, परिवर्तन से भी जी पूछता है। और ये बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा ना कंसेप्चुअली समझे नहीं रहते हैं तो गलत होता है, लेकिन कंसेप्चुअली जैसे समझ जाए कि जैसे ठोस से डायरेक्ट मतलब गैस में जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, या गैस से डायरेक्ट ठोस में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे ना, या ठोस से द्रव में जा रहा है, या द्रव से ठोस में आ रहा है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद से जो कुछ केमिकल फॉर्मूला होता है, इसमें भी ज्यादा नहीं है, 10-12 हुआ है। जैसे क्या हो गया आपका, एक धोवन सोडा हो प्लास्टर ऑफ जाता है, पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, खाने वाला सोडा हो जाएगा सर ना, जी, तो इस टाइप से, कार्बोनियस सर। हाँ इस टाइप से कुछ होता है जो रेगुलर पूछेगा, और उसी में हम लोग गलती करके आ जाते हैं। इस बार सीएओ पूछा था, इतना आसान पूछा था ना। तो ये होता है आपका केमिस्ट्री का सेक्शन। भौतिक विज्ञान में, तो भौतिक विज्ञान में आपका लाइट से यानी प्रकाश से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, दो तीन भी पूछ सकता है, साउंड से भी रहता है एक सर। दो तो मिनिमम रहेगा, दो तीन भी हो सकता है। उसके बाद से साउंड यानी ध्वनि से रहेगा ना। गति से भी रहता और सबसे पहला जो यूनिट्स होता है, इकाई होता है, ये इससे इकाई। हाँ इसे दो तीन क्वेश्चन हो जाता है ना। यस जैसे सर। हाँ, जैसे मतलब कोई भी जो यूनिट होता है, इसको मापने की इकाई होता है, मापक इकाई, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम रहता है, ध्वनि से रहेगा, लाइट से रहेगा। उसके बाद से आपका चुंबकत्व से आ रहा है, तो मैग्नेटिज्म से, इलेक्ट्रिसिटी से आता है, ना और किससे रहता है जी, विद्युत से रहेगा, चुंबकत्व से रहेगा, लेंस हाँ ये सर। तो लेंस उन सब लाइट में आ जाएगा, इसको सब सारा को ऑप्टिक्स में सबको इंक्लूड कर देंगे ना, लेंस हो जाएगा या मिरर हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। ग्रेविटी से भी आता है। उष्मा से भी रहता है सर, उष्मा से। हाँ हाँ
उष्मा सर आता है हीट से, मतलब उष्मा, उसके बाद से यहाँ पे ऊर्जा भी दे देगा, कार्य शक्ति ये सब जितना रहता है। सर उपकरण जो होता है उसके कार्य उसके भी उससे भी रहता है सर, हाँ उनमें से किसी उपकरण का नाम दे के। उपकरण, और मतलब डिस्कवर बाय भी दे देता है, ठीक है, मतलब किसका यस खोजे। सर, इस बार यस ना दो सर, तीन वर्क भी क्वेश्चन दे देता था। है। हाँ जैसे इस बार पूछा था सापेक्षता का सिद्धांत पूछा था, रिलेटिविटी का ना, उसके बाद से जड़त्व का नियम किसने यस सर, प्रतिपादित किया था, इस टाइप से इतना इजी क्वेश्चन पूछता है एक ना। गैलीलियो वाला भी था। हाँ वही जड़त्व के नियम से, अब इतना इजी क्वेश्चन पूछता है और वहां से हम लोग गलत करके आते हैं, फिर रोएंगे कि रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो क्या होता है ना कि एग्जाम के चक्कर में, कि हमारा रिजल्ट हो हमारा रिजल्ट हो, हम पढ़ने के चक्कर में कि हम सब बना दे सब बना दे, तो वो इस चक्कर में क्या होता है कि जो सरल चीजें होती है उसको हम लोग छोड़ करके लगता है कि नहीं ये नहीं पूछेगा, और एग्जाम में जाते हैं तो वही आता है, फिर वहां पे कंफ्यूजन कि जो गैलीलियो था या फिर न्यूटन था या आइंस्टाइन था, उसमें हम उतना ही में गलत कर जाएंगे कि जड़त्व का नियम दिया किसने था ना। तो जो रेगुलर की चीजें हैं उसको हमें गलत नहीं करना है, तो उसके लिए क्या हुआ कि आपको सर न्यूटन ने गति, दिया था सर न्यूटन गति का जड़त्व का नियम दिया नियम। था, न्यूटन गति का नियम, यही तो लोग फंस जाएंगे। ऐसा ये तो हाँ पूरा क्रांतिकारी पढ़ाई किया सर, गैलीलियो को न्यूटन में घुसा दे रहा है, कहीं कुछ घुसा दे रहा है। अरे बस थोड़ा सा समझने का जरूरत होता है ना। तो ये होता है फिजिक्स का आपका मेजर सेक्शन, जो कुछ उपकरण होता है, मतलब कौन उपकरण किसने बनाया, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज होता है आपका आपका मतलब फिजिक्स से। अगर इसको छोड़ करके आप देखो, इसी में भी प्राण आया, तो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि जो बीपीएससी है या कोई भी संस्था जो आप जनरल कंपटीशन के लिए एग्जाम दे रहे हो या ले रहा है कोई भी संस्था, तो वो आपसे इन सारी चीजों का एक जनरल ओवरव्यू पूछेगा कि आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हो कि नहीं ना। इसमें जो, और जो एक्सेप्शन टाइप वाला क्वेश्चन होता है या बॉक्स टाइप वाला क्वेश्चन, मतलब चीजें होती है, तथ्य होता है, उन्हीं सब पे फोकस करेगा वो आपसे। देखो न्यूमेरिकल का भी पूछता है जल्दी, न्यूमेरिकल रेयर ही पूछता है बीपीएससी में। वो जानता है कि हमें इन लोगों साइंटिस्ट नहीं बनाना और ना ही आईआईटीएन बनाना है, वो जानता है कि बस थोड़ा बहुत इनको नॉलेज होना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ वाला। और लेकिन हम क्या होते हैं कि नहीं होता है कि ज्यादा के चक्कर में जो आने वाला चीजें होता है उसको हम छोड़ देते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे,